बिहार असम गुजरात की भीषण बाढ़। इस साल बाढ़ ने पूरे देश में कहर बरपाया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रकोप बिहार में देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आई बाढ़ से 1,71,00,000 लोग प्रभावित हुए, जबकि 514 लोगों की मौत हो गई। बीते 9 सालों में ये बाढ़ से हुई सबसे ज्यादा मौत थी। जुलाई में पूर्वोत्तर राज्यों असम में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। असम के करीब 24 जिले इस भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए थे। इस बाढ़ में करीब 323 लोगों की जान गई थी। जुलाई महीने में गुजरात में भी बाढ़ का भीषण प्रकोप देखने को मिला। उत्तरी गुजरात में इस बाढ़ की चपेट में आने से करीब 72 लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको में भूकंप से 248 की मौत। 19 सितंबर को मेक्सिको सिटी में लोग 32 साल पहले आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने निकले थे। उस हादसे में करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। लोग इस दर्दनाक हादसे को भूलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक बार फिर मेक्सिको सिटी भूकंप से हिल उठी। 7.1 तीव्रता से आए इस भूकंप ने 248 लोगों की जान ले ली, जब एक साथ हिल उठे इराक और ईरान। 12 नवंबर ईरान इराक सीमा पर आए भीषण भूकंप से दोनों देश हिल उठे। 7.3 तीव्रता से आए इस भूकंप ने 328 लोगों की जान ले ली। करीब 1700 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक इस भूकंप में सैकड़ों घर जमींदोज हो गए, जबकि 2000 लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। भूस्खलन की चपेट में आई रोडवेज बसें, 45 की मौत। हिमाचल के मंडी में अगस्त महीने में भूस्खलन की एक दर्दनाक घटना घटी। यहां नेशनल हाईवे 21 पर सड़क किनारे यात्रियों से भरी दो बसें और कुछ छोटी गाड़ियां आधी रात में आराम के लिए खड़ी थी, तभी भूस्खलन हो गया। बसों में सवार यात्री से पहले कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। कई लोग उस समय गहरी नींद में सो गए। इस हादसे में 45 लोगों की जान गई। मुंबई में भारी बारिश। इस साल अगस्त महीने में मुंबई में भारी बारिश देखने को मिली। इस बारिश की वजह से देश की आर्थिक राजधानी कई दिन तक ठप रही। बारिश ने 15 लोगों की जान भी ले ली। बारिश का कहर ऐसा था कि एक वकील की कार में दम घुटकर मौत हो गई, तो वहीं एक डॉक्टर की मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। ओखी चक्रवात। साल के अंत में दक्षिण भारत में ओखी चक्रवात का कहर देखने को मिला। ओखी ने दक्षिण भारत में जमकर तबाही मचाई, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। ओखी चक्रवात का असर मुंबई और गुजरात के तटीय इलाकों में भी देखने को मिला। यहां ओखी की वजह से जमकर बारिश हुई। ओखी की वजह से केरल और तमिलनाडु में लोगों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा।